أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے سبحان اللہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے کیا بات سبحان میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم بہت خوب بہت خوب جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے بہت خوب جی بہت خوب میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں کیا بات ہے کیا بات سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج میں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جو صبر زار کو دیکھا تو پھر یقین آیا بہت خوب بہت خوب جو صبر زار کو دیکھا تو پھر یقین آیا جو صبر زار کو دیکھا تو پھر یقین آیا حسین حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے سبحان اے چھ مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو ہے چھ مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج ملتا ہے میرے علی
ककुरा से मिजाज मिलता है। जानजीब खान, यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इस खूबसूरत माह रमज़ान को बड़े ही जोश खरोश के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा से हम बात करते हैं कि जितनी बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस खूबसूरत से बरकतों और रहमतों वाले महीने का, उतनी ही तेज़ी से ये महीना हमारे हाथों से गुजरता चला जा रहा है और बिल्कुल अपने इख्तिताम को है। और इन्हीं कुछ लम्हों में, कुछ दिनों में जितना हो सके समेट लें, जितना हो सके अपने गुनाहों का कफ़ारा करा लें, क्योंकि ये खूबसूरत सा महीना हमें पता नहीं दोबारा नसीब होगा या नहीं होगा। क्यों जानते? बिल्कुल जी, ये महीना दोबारा नसीब होगा या नहीं, ये एक बहुत ही गहरी बात है। और इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि यकम रमज़ान को हम जिनके लिए दुआएं खैर मांग रहे थे उनमें से कई ऐसे हैं जो अब हमारे साथ नहीं और हम दुआएं मगफरत के तलबगार हैं। और ये भी नहीं मालूम कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों का आखिरी रमज़ान तो नहीं, क्या पता कल को हम में से कोई एक, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन कल को क्या पता हम में से कोई एक अगला रमज़ान ना देख पाए। ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान ही शायद करार दे पाए। तो इस रमज़ान में वो जो नेमतों के दरवाज़े खुले, वो जो रहमतों के दरवाज़े खुले, वो जो बरकतों के दरवाज़े खुले, वो जो रहमतों की बारिशें हुई, उनसे तू क्यों गाफिल है? ऐ बंदे, तू क्यों गाफिल है उससे? तू उस रहमतों के दरवाज़े को एक दफ़ा फिर खोल और बैठ जा उस रब के पास और कह कि मैं बहुत ख़ताकार हूँ, मुझे माफ़ कर दे, तू माफ़ करने वाला बड़ा है। बेशक, कोई शक नहीं, वो माफ़ करने वाला है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। वो कहता है कि बंदे तू मांग तो सही, मैं अता करने वाला हूँ, तू गिड़गिड़ा के मुझसे अपने गुनाहों का कफ़ारा कर, मैं ज़रूर तुझे माफ़ करूँगा। और इसी के साथ साथ रेड न्यूज़ हमेशा से कोशिश करता है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे से सेगमेंट्स, अच्छे से प्रोग्राम लेकर आएँ, ताकि आपका जो स्पेशली इफ्तार का टाइम है वो बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे, क्योंकि इस वक्त हम कुछ सीखने के मूड में होते हैं और दुआ भी कर रहे होते हैं और कबूलियत का वक्त भी होता है। तो रेड न्यूज़ की पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, जो कैमरे के सामने हैं, जो कैमरे के पीछे हैं, जो पूरे हमारे इस पैनल का हिस्सा है, उन सब के लिए दुआ किया करें। और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, क्यों जा सच्चे। और ये खिलाफ़ रवायत है कि आज हम लोग जो है कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटियों को, माशाल्लाह जिसे पहले हमारे शो को चार चांद लगाया करते थे, आज हमारे गुलदस्ते में छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल हैं, नन्हे नन्हे जो है वो भंवरे हैं और बड़े प्यारे प्यारे चेहरे हैं। आज का ये रेड न्यूज़ का जो पूरा प्रोग्राम है वो है हमारे यंग नन्हे मुन्ने बच्चों, यानी हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, उनके हवाले है। और आज हमारे मेहमान भी चंद ऐसे बच्चे हैं जो अपनी अपनी फील्ड में थोड़ी थोड़ी महारत रखते हैं और आगे जाकर एक बेहतरीन पाकिस्तानी बनने की नवीद हैं, एक बेहतरीन पाकिस्तानी बनने की मिसाल कायम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो जल्दी से तारुफ करवाते हैं, तारुफ तो बनता है इन नन्हे मुन्ने बच्चों का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमजा बिन शुमाइल, जो कि एक स्टूडेंट भी हैं, एक नातवां भी हैं और माशाल्लाह सिंगर भी हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है और वो यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लाइक्स भी हैं। कैसे हैं हमजा? मैं ठीक हूँ, आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका रोजा है आज? नहीं, आज नहीं है। चलिए देखिए, मन के सच्चे, एग्जैक्टली मन के सच्चे, इसको कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। गुड, आपको वैसे रमजान मुबारक हो। थैंक यू। ठीक हो, बहुत शुक्रिया। उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है रायना खान, जो कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, चाइल्ड परफॉर्मर हैं, चाइल्ड फैशन डिजाइनर। अच्छा, ये टर्म मैंने पहली दफा सुनी है कि चाइल्ड फैशन डिजाइनर, यानी फैशन डिजाइनर तो पहले भी आते रहे, लेकिन चाइल्ड फैशन डिजाइनर जो कि बच्चों के फैशन को डिजाइन करती है, चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं और इसके अलावा पेंटर हैं, स्केच बनाती हैं, मल्टी टैलेंटेड है। रायना, कैसी हैं आप? ठीक हूं, कैसे? और आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक। और आपसे भी वही सवाल, क्या आपका रोजा है? नहीं, आपका भी नहीं है। मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, नो डाउट। और अब से थोड़ी देर पहले जो हम एक सुरीली आवाज़ सुन रहे थे, जो एक प्यारी सी आवाज़ सुन रहे थे, एक ऐसी आवाज़ जिसने मेरे साथ साथ कैमरे के पीछे खड़े एक क्रू को भी जो है ना वो मुतासर कर दिया, झूमने में मजबूर कर दिया, वो आवाज़ के मालिक से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मोहम्मद शाज़ेल अब्बास मुस्तफ़ी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है बेटा आपकी।
और आप का रोज़ा है? आपका भी नहीं है? मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, यहाँ ये जो हम एग्जांपल देते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, वो सच हो रहे हैं, वो हकीकत में दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद इब्राहिम, जो माशाल्लाह हमें मार्शल आर्ट्स और कराटे के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। कैसे हैं आप बेटा? आपको रमज़ान मुबारक हो। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है अयान हसन, जो एक बार फिर इन्हीं का साथ देंगे मार्शल आर्ट्स और कराटे में, अपना मिसाल दिखाएंगे, अपना लोहा मनवाएंगे। कैसे हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप लोगों का रोज़ा है? वेरी गुड। मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे हैं, कोई शक नहीं। और इन प्यारे प्यारे बच्चों से प्यारी प्यारी बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे कि ये अब क्या हैं और आगे जाके क्या बनना चाहते हैं और इनके क्या एम्स हैं और कौन कौन से गोल्स अचीव करेंगे। तो ये प्यारी प्यारी सी बातें इनके साथ होंगी। तो आप भी अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जल्दी से टीवी के सामने बिठा लें। तब तक हम लेकर आते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहें हुसन ए रमज़ान। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे, आपकी मुलाकात करवा रहे थे उन नन्हे 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 खूबसूरत खूबसूरत फूलों से, उन नन्हे 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 टैलेंट से। सॉरी आपकी बात काट रही हूं। क्या आपको इन छोटे छोटे बच्चों को देख के अपना बचपना याद आ रहा है? नहीं, मैं तो बहुत ही नालायक था। ये तो बड़े काबिल है, बड़े शाइनिंग है, मैं तो बड़ा नालायक था। मुझे तो अपना जमाना याद आता है तो लगता है कि अब्बा मार रहा है, मम्मी मार रही है, डांट पड़ रही है, डांट पड़ रही है, कपड़े फटे हुए हैं। तो ये तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं। एग्जैक्टली, माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे। अगर हम इनकी जगह पे होते तो आज हम कहां के कहां होते। लेकिन चले, आपने एक दुखती चले, कहीं ना कहीं तो हम पहुंच के हुए। चले कोई बात नहीं। तो हम मुलाकात करते हैं हमजा से, एक बार फिर मुलाकात करते हैं हमजा से, जानते हैं कि हमजा ये जो नात खानी का और आप सिंगिंग भी करते हैं यूट्यूब पे, तो ये कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ? बेसिकली मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे बस कहा था कि मोटिवेट किया था, मुझे सिखाते थे कि किस तरह गाते हैं। हालांकि मेरी आवाज अच्छी थी, लेकिन वो सिखाते भी थे कि इस तरह, मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब अगर कहीं भी जाओ तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपके भाई सिंगर हैं, नात खां हैं? नहीं, वो सिंगर भी है, नात खां भी है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, बहुत शर्माते हैं। अच्छा, शर्माते हैं। और आपने कहा कि जी मैं वो भरम तोड़ दूंगा। बिल्कुल, आप शर्माते हैं तो मैं आपकी जगह आ जाता हूँ। मैं नहीं शर्माता, मैंने करना है। और फिर आपका माशाल्लाह यूट्यूब भी चैनल है? जी, उसका नाम है एम हमजा बिन शमाइल। और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे एक वीडियो है, वो मैंने उसको गाना गाया है ग्रूव मेरा, वो PSL का एक है। PSL, उस पे मेरे मतलब जो व्यूज हो गए हैं वो 3.4K हो गए हैं। माशाल्लाह, 3.4K व्यूज, ट्रेंडिंग यूट्यूब पे, बहुत ट्रेंड हो रहा है ना, तो इसलिए उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो वो तो तभी सब्सक्राइब करेंगे जब आप सुनाएंगे, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। हाँ, जब वो आपकी आवाज सुनेंगे फिर कहेंगे हाँ वाकई इस बच्चे के यूट्यूब को हम सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो फिर कुछ सुनाए हमें। मैं नाच सुनाऊंगा। हाँ, खोला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहां कोई रुतबे में अदना ना आली, वो दरबार सच मुच मेरे सामने जिसका ख्याल। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली, खोला है सभी वहां कोई रुतबे
की जाने दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली खोला है सभी रूह को गर्मा देने वाली आवाजें हैं और तो रायना आप बताइएगा कि ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक आपको है बचपन से है आपने बताया और फैशन डिजाइनिंग या एक्टिंग इसमें से कौन सा करियर को परस्यू करना चाहती हैं आप कहाँ क्या बनना चाहती हैं लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कहना है कि मेरे पास भी एक यूट्यूब चैनल है और मैंने अभी अभी शुरू किया लाइक आई जस्ट स्टार्टेड क्या नाम है रायना खान और उसके बाद बस अभी तक वन वीडियो क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है अभी शुरू आपको बड़ी चीजें मिलेंगी आर्ट वर्क मिलेगा फैशन डिजाइनिंग मिलेगी बच्चों का फैशन डिजाइनिंग जैसे कि मैंने कहा एक बड़ी नई टर्म है और एक्टिंग स्किल्स भी आपको मिलेंगे कैसे ड्रॉ करती है कैसे फैशन बनाती है वो आपको सिखाएंगी और बताएंगी कि कैसे फैशन डिजाइनर बना जाता है बच्चों के लिए तो करियर का क्या बनाएंगी करियर में एक्टर बनना चाहेंगी फैशन डिजाइनर बनना चाहेंगी क्या बनना चाहेंगी Well, मेरे बाबा जो हैं वो स्कूल चलाते हैं वो एक्टर भी हैं और मेरी मामा एक एक्टिंग करते करते स्कूल चलाते तो एक्चुअली आई डोंट नो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट बट ये शौक है तीनों को शौक है मुझे तीनों को शौक है स्कूल का भी प्रिंसिपल बनना जैसे मेरे बाबा चाहते हैं बनना चाहती हैं रायना खान और अगर आप समझते हैं कि आपके टीवी चैनल आपके ड्रामास आपकी फिल्म्स को रायना खान जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है तो ये है रायना खान और अब चलते हैं शाज़ेल की तरफ और शाज़ेल से कहते हैं दिल धड़का देने वाला कोई प्यारा सा जबरदस्त किस्म का कोई बिस्मिल्लाह सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब वो पहला नाच का काज पे अबू तालिब पढ़ाया अकत जिसने खुदीजा से मोहम्मद का मिला है जिसने तो कहा अबू तालिब सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब जिधर चेहरा
जिधर बैठा मोहम्मद हो, सुभान अल्लाह, जो तकता हो उसी जहान अबू तालिब, क्या बात है, क्या बात है, जो तकता हो उसी जहान अबू तालिब, अबू तालिब, जो तकता हो उसी जानब अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब, वो पहला नाथ का कातिब अबू तालिब, अबू तालिब, अली के बाप को पल भर बुलाऊं के सर हाकिम, मेरी सांसों कह रहा किब अबू तालिब, अबू तालिब, मेरी सांसों कह रहा किब अबू तालिब, अबू तालिब, मेरी सांसों कह राकिब अबू तालिब, अबू तालिब, वो पहला नात का कातिब अबू तालिब, अबू तालिब, वो पहला नात का कातिब अबू तालिब, अबू तालिब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब लगता है कि हमें कुछ स्किल्स भी देखने पड़ेंगे कि वो मार्शल आर्ट के स्किल्स क्या हैं। बोलना तो बहुत आसान है, करके दिखाना मुश्किल होता है। तो इस लम्हे से उस पार हम आपको कुछ ऐसे मनाजर दिखाएंगे जो आपको यकीनन बहुत ही अच्छे लगेंगे। एग्जैक्टली, और सेल्फ डिफेंस के लिए इंसान के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि वो अपनी हिफाजत कर सके, अपनी फैमिली की हिफाजत कर सके, और अपने बच्चों को ये आप सिखाएं, उनको बताएं। हमारे पास जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन सबको आपने देखा, उन सब की आपने बातें सुनी। अभी चूँकि इफ्तार का टाइम भी करीब है और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आई थिंक हमारी जो फैशन डिज़ाइनर थी, इनके पास कुछ पेंटिंग्स थी दिखाने के लिए, कुछ पेंटिंग्स हैं आपको दिखाने वो के लिए। आप जल्दी से दिखा दें, जल्दी से दिखा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल अपने वाइंड अप की तरफ है। क्योंकि अचानक से मुझे याद आया कि हमारी इस नन्ही मुन्नी डिज़ाइनर के पास कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो दिखानी बहुत ज़रूरी हैं हमारे नाज़रीन को, जो देखने के बाद जो बच्चे हैं आप उनको सिखा सकें। ये भी छोटी सी बच्ची है, ये देखें, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे रायना इसको। ये एक स्टॉर्म में मैंने एक पिक्चर देखी थी रेनबो ट्री की, तो वो स्टॉर्म में, अच्छा ये आंधी चल रही है जी, तो इसका ये वही पेंटिंग थी जो मैंने 8 years में बनाई। अच्छा ये 8 साल की उम्र में बनाई थी आपने, और ये वाटर पेंट है सारा? उनका एक पैटर्न है, ये भी एक्रेलिक है, ये भी एक्रेलिक मुझे लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी 8 साल की उम्र में बनाया था जी। जबरदस्त जबरदस्त, ये देखें जी, ये कितनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, 8 साल की उम्र में ये पेंटिंग्स बनाई गई, तो अब स्किल्स कितनी जो है ना वो जबरदस्त हो चुकी होंगी। और ये क्या है आपके हाथ में, कुछ फैशन डिजाइनिंग का लग रहा है मुझे? फैशन डिजाइन्स हैं, और थोड़ी सी वो जो मैं ड्राइंग्स करती हूँ वो हैं, ये थोड़ी सी लाइट है, कोई मुझे दिखा दे, ठीक है मुझे दिखा दे, मैं चेक कर लूँ, मुझे बाकी okay, दिखा दे। ये हम ऐड कर देंगे इसको, क्योंकि बहुत लाइट है, इसके लिए हमारे कैमरामैन को जरा, चलो ये अगर कैमरा मैन दिखा सकें, इनके स्केचेस हैं, ये फैशन डिजाइनिंग के स्केचेस हैं जो कि ये दिखाती होती हैं, बनाती होती हैं, इन्होंने पूरा ड्रेस डिजाइन किया हुआ है,
पूरा एक ड्रेस बनाया हुआ है जिसपे वो फैशन का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, ये भी पीछे इनके, बल्कि इन्होंने आर के अपना एक वो भी लगाया हुआ है, लोगो भी लगाया हुआ है उसके अंदर, बड़े प्यारे प्यारे फैशन डिजाइनिंग है माशाल्लाह। ये फ्रॉक का आउटफिट में, जबरदस्त आउटफिट में एक आर के लोगो है। ओके, बहुत प्यारे इनके डिजाइन्स मुझे नजर आ रहे हैं। ये जो अभी आपने दिखाया था ना, ये मैंने इंस्पिरेशन ली थी आरियाना ग्रांडे का कैजुअल स्टाइल। ओके, बड़े मुश्किल लफ्ज बोल रही हैं, लगता है किसी बड़े ही आर्टिस्ट का नाम ले रही हैं। ये ब्लैक पिंक की टीम थी, ब्लैक पिंक की टीम थी, उनसे उन्होंने इंस्पायर होकर ये जो बनाया है। जबरदस्त, वेरी वेरी मच रानिया, इंप्रेसिव, बहुत बहुत जबरदस्त रायना, बहुत ज़बरदस्त आपने किया। और अल्लाह ताला करे कि इन सब बच्चों की किस्मतें बहुत अच्छी हों, इन सब की जो मंजिलें हैं वो बहुत आसान हों, और इन्हें इनकी मंजिलें बहुत बहुत जल्दी ही मिल जाएं। आमीन आमीन। और इसी के साथ रेड न्यूज़ की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपनी मेज़बान महफिज़ चौधरी और जानजीब खान को दीजिए इजाज़त।